मुझे लगता है और मैंने किताब में ये लिखा है कि दिस इज एन इंडिया दैट इज मोर भारत। हम जो है अपने आप को अगर जो जो कहा गया कि दबाव में आए तो हम दबते नहीं हैं, हमें निर्णय लेना है तो लेते हैं, हमें कभी कभी दुनिया के नॉर्मल कन्वेंशनल थिंकिंग के खिलाफ जाना होता है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। ये और ग्राउंडेड विचारधारा है, ये और भारत की विचारधारा है इंडिया के का। ये चार साल में मैंने ये भी देखा है कि खुद हमारे देश में और इसके मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं आपको कि हमारा आत्मविश्वास, हमारी जो जो मैं कहूंगा एक किस्म से जो जो कमिटमेंट जो है कि देश को विकसित भारत की तरफ कैसे ले जाएं, हमारी खुद अपने इतिहास और संस्कृति और विरासत के बारे में, उसके बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस जो होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये पिछले 4-5 साल में इसमें भी बहुत चेंज आया है। और मुझे लगता है और मैंने किताब में ये लिखा है कि दिस इज एन इंडिया दैट इज मोर भारत, कि हम जो है अपने आप को अगर जो जो कहा गया कि दबाव में आए तो हम दबते नहीं हैं, हमें निर्णय लेना है तो लेते हैं, हमें कभी कभी दुनिया के नॉर्मल कन्वेंशनल थिंकिंग के खिलाफ जाना होता है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये सचमुच मेरे लिए ये ट्रांजिशन कि जो जब हम बात करते हैं कि इस दशक में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन इस माइंडसेट का भी हुआ है, पर ये परिवर्तन जो है अगर आप देखें कि हमारी लीडरशिप देखें कि कौन है जो आजकल भारत को जिनकी सोच जो क्या विचारधारा है, मैं कहूंगा ये और ग्राउंडेड विचारधारा है, ये और भारत की विचारधारा है इंडिया के काम।